लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट जैसा पिज़्ज़ा। तो आज के वीडियो में मैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी बिना सोडा बिना अक्सी अवन के, सिर्फ एक कढ़ाई में। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्राई ईस्ट लिया है, इसे हमें एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए इसमें हम एक चम्मच पिसी चीनी डालेंगे और उसमें थोड़ा गुनगुना पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इसे हमें 5 से 10 मिनट के लिए रखना है। ये एक्टिव ड्राई ईस्ट आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में ऐसे पैकेट में मिल जाएगा। और ये हमारा 5 मिनट बाद देखिए थोड़ा हल्का सा इसमें झाग आ रहा है, अभी हम इसे और देर के लिए रखेंगे और 10 मिनट बाद ये अच्छे से एक्टिवेट हो गया है। हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, मैदे में हम ईस्ट डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हमें इसे मिक्स करना है, फिर इसके बाद ही इसमें पानी ऐड करना है। इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे और इसके बाद पानी डालकर अच्छे से गूंथ लेंगे। हमें इसका काफ़ी नरम सा डो बनाना है और इसके बाद इसे स्प्रेड फोल्ड करके अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। ये डो आपके हाथों में चिपकेगा, इसलिए थोड़ा सा ऑयल लगा लें। और इसके बाद हमें जिस बर्तन में इसे रखना है उसको भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अपने डो को ऐसे फोल्ड करके इसमें ढक कर रख देंगे। हमें इसे ऐसे ढकना है जिससे एयर अंदर ना जाए। हम इसे लगभग 45 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए 45 मिनट बाद हमारा डो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया है और ये रेडी है। अगर मैदा नहीं फूला हो तो इसे हम और देर के लिए भी रख देंगे, लेकिन यहाँ पर ये अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसका बेस बनाएंगे। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें बेस बनाना है, तो हम इसको किसी भी वुडन या किसी भी थाली में रख देंगे और थोड़ा सा डस्टिंग करके इसको हमें ऐसे स्प्रेड करना है। मैंने यहाँ पर ये स्टील का प्लेट लिया है, इसी साइज़ का मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। अच्छे से इसे स्प्रेड करके अब हमें फोक से इस तरह से इसमें कर देना है। इससे क्या होगा, ये ज़्यादा फूलेगा नहीं, नहीं तो ये डोम की शेप का हो जाएगा और हमारा पिज़्ज़ा ठीक से बनेगा नहीं। अब इसके बाद हमें इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालना है, इसे हम स्प्रेड कर लेंगे। मैंने चीज़ कद्दूकस करके लिया है, इसे भी हम अपने पिज़्ज़ा में डाल देंगे। हम यहाँ वेज पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसलिए हमें कुछ वेजेस ऐड करनी है यहाँ पर। तो मैंने इसके लिए यहाँ शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर लिया है। आप कॉर्न वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और मैंने पनीर के पीसेस भी कट करके इसमें डाले हैं। फिर इसके बाद हमें ऊपर से और चीज़ इसमें डाल देना है। पिज़्ज़ा हमें कढ़ाई में बनाना है, इसके लिए हमें ऐसी कोई भी कढ़ाई ले लेनी है। ये कढ़ाई मेरी यूज़ में नहीं थी तो मैं इसको बेकिंग के काम में यूज़ करती हूँ। और हमें इसके ऊपर ऐसा एक सैंड रखना है। अगर आपके पास ये जाली वाला सैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी या प्लेट भी रख सकते हैं, बस डायरेक्ट हमें पिज़्ज़ा कढ़ाई में नहीं रखना है। और इसके बाद हमें कढ़ाई को बंद कर देना है अच्छे से। अगर ऐसा आपके पास ढक्कन नहीं है तो आप कोई भी बड़ा बर्तन, भगोने जैसा या कुछ भी ऐसा रखें जिससे कढ़ाई अच्छे से बंद हो जाए। पिज़्ज़ा हमारा बेक होने के लिए रेडी है। तो मैंने कढ़ाई को पहले ही 5 मिनट के लिए प्रीहीट होने को रख दिया था। इसमें हम पिज़्ज़ा रखेंगे और लगभग आधे घंटे के लिए बेक करेंगे। आधे घंटे बाद हमारा पिज़्ज़ा एकदम अच्छे से रेडी है और इसमें हम ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। बस हमारा पिज़्ज़ा एकदम तैयार है ना एकदम रेस्टोरेंट जैसा। बस इसे हम कट करेंगे। ये बहुत गर्म है इसलिए मैं इसको
उठा नहीं पा रही थी आपको दिखाने के लिए। ये देखिए एकदम परफेक्ट बेस बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये इस तरह से पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम रेस्टोरेंट वाला फील आता है। हमें इसे बनाने के लिए किसी भी अवन की ज़रूरत भी नहीं है, आप किसी भी पुरानी कढ़ाई को लीजिए, उसे देसी अवन बनाइए और ये पिज़्ज़ा बनाइए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।